हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम से। इस ट्यूटोरियल में हम पीएचपी के इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। पीएचपी के इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शंस एक्सटर्नल पीएचपी फाइल को हमारी करंट फाइल में यूज करने के लिए यूज किए जाते हैं। मीन्स हम किसी एक्सटर्नल पीएचपी फाइल के कंटेंट को हम किसी और फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ लिखता हूँ, दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल। तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल। अब मैं एक और फाइल बनाता हूँ और उसको मैं सेव कर देता हूँ न्यू अंडरस्कोर फाइल डॉट पी एच पी के नाम से। तो ये सेव हो गई। अब मैं यहाँ पे पी एच पी में कुछ और लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल पी एच पी फाइल। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम इसको इंक्लूड करेंगे इंक्लूड फंक्शन से। तो मैं लिखता हूँ इंक्लूड ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद फाइल का नाम जिसको कि आप इंक्लूड करना चाहते हैं। इसमें मैं लिखता हूँ न्यू अंडरस्कोर फाइल डॉट पी एच पी जो कि फाइल का नाम है। तो ब्राउजर में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल। तो यहाँ पे मैं एक बी आर टैग यूज कर लेता हूँ जिससे नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो आप देखेंगे दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल, दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल। तो अगर मैं इसको इसके बाद इंक्लूड करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक बी आर टैग यूज कर लेता हूँ, दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल। मीन्स पहले ये स्ट्रिंग आई, उसके बाद हमने फाइल इंक्लूड की और फाइल में कंटेंट था ये जो कि इंक्लूड हो गया। तो आप इसी तरह से रिक्वायर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे रिक्वायर, आप देखेंगे ये सही वर्क कर रहा है। तो अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ इंक्लूड और रिक्वायर में। जैसे यहाँ पे मैं इंक्लूड लिखता हूँ और मैं फाइल का नाम गलत लिख देता हूँ जो कि फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे न्यू डॉट पी एच पी फाइल, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो मैंने फाइल का नाम गलत लिख दिया, मीन्स ये इंक्लूड करे न्यू डॉट पी एच पी फाइल को लेकिन फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब क्या होगा हम देखते हैं। तो आप देखेंगे कुछ वार्निंग शो कर रहा है, इंक्लूड न्यू डॉट पी एच पी नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मीन्स कोई फाइल और डायरेक्टरी इस नाम की नहीं है, लेकिन जो बाकी कंटेंट है दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल, जो कि ये कंटेंट है ये वर्क कर रहा है। मीन्स यहाँ पे इसने इसकी एक वार्निंग शो की कि इंक्लूड फाइल जो आप कर रहे हैं वो कोई ऐसे नाम की फाइल इंक्लूड मीन्स एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन बाकी कंटेंट वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह रिक्वायर फंक्शन यूज करता हूँ तो आप देखेंगे डिफरेंस इसमें है कि पहले हमने रिक्वायर की ये फाइल, सेम इसने एरर मैसेज दिया रिक्वायर न्यू डॉट पी एच पी नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मीन्स ये रिक्वायर्ड है। अगर ये फाइल इंक्लूड मीन्स फाइल यहाँ पे इसको नहीं मिलती तो ये बाकी की स्क्रिप्ट को भी बंद कर देगा, मीन्स ये बाकी पेज को किल कर देगा और बाकी की स्क्रिप्ट जो इसके बाद आएगी वो वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंक्लूड यूज कर रहे थे इंक्लूड, तो आप देखेंगे एरर मैसेज शो कर रहा था लेकिन ये बाकी की स्क्रिप्ट को किल नहीं कर रहा था, बाकी की स्क्रिप्ट जो थी एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन हमने रिक्वायर कर दिया मीन्स इसको ये फाइल रिक्वायर्ड है, पहले ये फाइल इसको मिलेगी तभी जो बाकी की स्क्रिप्ट है वो वर्क करेगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मेन यूज कहाँ पे किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैं इसको पहले इस कोड को इरेज कर देता हूँ। जैसे आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट 10 to 20 पेजेस की है, तो इसका काफी यूज किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक पहले बनाता हूँ डीवाईडी हेडर एंड ऑफ हेडर, क्योंकि वेबसाइट्स में मेन यही होता है हेडर कंटेंट और फुटर। तो मैं यहाँ पे हेडर बना देता हूँ, ये मैं खाली आपको दिखाने के लिए इसका हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, डिवाइडी मेन कंटेंट एंड ऑफ मेन कंटेंट और एक और मैं आईडी बना लेता हूँ डीवाईडी फुटर एंड ऑफ फुटर। तो यहां पे मैं लिखता हूं सबसे पहले हेडर में दिस इज हेडर कंटेंट। अब मैं मेन में लिखता हूं
दिस इज मेन कंटेंट, हेडर में जैसे कि मेन्यूज आ गए आ सकते हैं, मींस और लोगो आ सकता है, तो वो आप हेडर में इंक्लूड करेंगे. उसके बाद मेन कंटेंट, उसके बाद मैं लिखता हूं दिस इज फुटर कंटेंट. तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे दिस इज हेडर कंटेंट, मेन कंटेंट एंड फुटर कंटेंट. अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मेन यूज कहाँ पे किया जा सकता है. जैसे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ सबसे पहले हेडर डॉट पी एच पी के नाम से. हेडर डॉट पी एच पी मीन्स जितना भी हेडर का कंटेंट होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, हेडर डॉट पी एच पी फाइल. उसके बाद मैं एक और फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ फुटर डॉट पी एच पी, मीन जितना भी फुटर का कंटेंट होगा वो इस फाइल में चला जाएगा, फुटर डॉट पी एच पी. ये हेडर डॉट पी एच पी फाइल हो गई हमारी, ये फुटर डॉट पी एच पी फाइल हो गई. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप से कंटेंट लेके, डॉक टाइप से लेके जितना भी हेडर तक कंटेंट है वो हम इस हेडर डॉट पी एच पी में पेस्ट कर देंगे. इसी तरह से जितना फुटर से लेके लास्ट तक जो पेज के एंड तक कंटेंट है वो हम फुटर डॉट पी एच पी में पेस्ट कर देंगे. तो आप देखेंगे हेडर का कंटेंट हमने अलग कर दिया, फुटर का कंटेंट हमने अलग कर दिया. अब क्या करेंगे हम, php include फंक्शन की मदद से हम इनको include करेंगे, include header.php. पहले मैं इसको हटा देता हूं तो आप देखेंगे डिफरेंस आपको पता लग जाएगा. पहले हम ब्राउजर में जाते हैं तो आप देखेंगे दिस इज मेन कंटेंट. अब मैंने इंक्लूड कर दिया header.php को, php include header.php. आप देखेंगे दिस इज हेडर कंटेंट. इसी तरह से इंक्लूड फुटर डॉट पी एच पी, तो आप देखेंगे दिस इज हेडर कंटेंट, दिस इज मेन कंटेंट, दिस इज फुटर कंटेंट. मीन्स ये आ गया फुटर वाली फाइल से कंटेंट यहां पे आएगा, यहां से हेडर वाली फाइल से आएगा. अगर आप पेज सोर्स भी चेक करेंगे तो आप देखेंगे आपको पूरा HTML डॉक्यूमेंट नजर आएगा. ये यहां हेडर तक आ गया हेडर डॉट पी एच पी से और फुटर से आ गया फुटर डॉट पी एच पी से. तो इसका मेन फायदा यह है कि अगर आपकी फाइल मींस वेबसाइट में काफी सारे पेजेस है, जैसे मैं एक और पेज बनाता हूं aboutus.php, तो मैं यहां पे भी ऐसे ही इंक्लूड कर सकता हूं header.php फाइल को और footer.php फाइल को. खाली जो मेन कंटेंट होगा वो चेंज होगा. तो मैं इसको इसी को कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं. तो मैं यहां पे लिख देता हूं This content is coming from aboutus.php file. तो मैं यहां पे aboutus.php फाइल को खोलता हूं. तो आप देखेंगे दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम aboutus.php फाइल, दिस इज हेडर कंटेंट, दिस इज फुटर कंटेंट. मीन्स हमने हेडर यही यूज कर लिया, फुटर भी वही यूज कर लिया, खाली जो मेन कंटेंट था वो चेंज हुआ. इसका ये फायदा है कि अगर आप किसी आपको किसी फाइल में मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे हेडर में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज हेडर कंटेंट ऑफ वेब सॉफ्ट websofttutorials.com. तो आप देखेंगे दिस कंटेंट इज ऑफ websofttutorials.com. ये था aboutus.php, अब ये index.php, दिस हेडर इज ऑफ websofttutorials.com. मीन्स आपको दोबारा दोबारा हर एक फाइल में जाके चेंज नहीं करना पड़ा, आपने खाली हेडर डॉट पी एच पी में चेंज किया और जितनी भी फाइल्स में ये हेडर डॉट पी एच पी इंक्लूडेड है उसमें ये जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट बैक करेंगे. तो इस तरह इसका मेन यूज यही है कि आप एक एक्सटर्नल पी एच पी फाइल बना के उसको आप इंक्लूड करके यूज कर सकते हैं. आप डाटाबेस की भी बना सकते हैं, आप फंक्शंस की बना सकते हैं, आप क्लासेस की एक्सटर्नल फाइल्स बना सकते हैं, जो कि आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम करेंगे. तो फ्रेंड्स ये था कि इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शन की क्या यूसेज है. नेक्स्ट वीडियो में हम PHP include once और require once फंक्शन के बारे में बात करेंगे. मीन्स मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि include और include once में क्या डिफरेंस है, require और require once में क्या डिफरेंस है. तो मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहे. हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं.